हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनत्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ हांडी चिकन। मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है और इसको मैंने सरसों ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मैं किस ऑयल में मैंने इसको बनाया आप पूरा वीडियो को देखना समझना, तभी बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको राइस के साथ इसे आप खा सकते हो। अगर देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो इस तरीके से लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। चिकन को अच्छे से धो लेना है और उसको वॉश करके अच्छे से पानी जो है अच्छे से छान लेना है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिया है चिकन के अकॉर्डिंग मैंने दही लिया है। इसमें 3 चम्मच एटलीस्ट मैंने इसमें दही ऐड किया है और कुछ मसाले मैंने खड़े इस्तेमाल किए, जैसे कि इसमें मैंने सौंफ ऐड किया है, छोटी इलायची 4, बड़ी इलायची 2 और दालचीनी। इसको मैंने ओखली में अच्छे से कूट लिया है, थोड़ा सा दरदरा भी रखा है। मैंने जो चिकन इसमें बनाया है वो खड़े मसाले से बनाया और मैंने काली मिर्च को भी कूट कर इसमें ऐड किया है। 2 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। आप मसाले को ध्यान से देखना है, ये मसाला आप ऐड करोगे तो चिकन का ना अलग ही फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने साथ ही कस्तूरी मेथी ऐड की, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें तो भी चलेगा, उस जगह पर आप थोड़ी सी हरे धनिया भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने और 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। अब आई बारी लहसुन अदरक की पेस्ट। तो मैंने जो पेस्ट में यूज़ किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले ही जो है पीस के रखती थी, इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च और अदरक लहसुन, बस इतना ही इस मसाले में है। तो मैं ऑलरेडी तैयार करके ये मसाला रखती हूँ और भी सब्ज़ी में ऐड करने के लिए, तो मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड कर दी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्पून से कर सकते हैं या आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको हम फ्रीज में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ढककर अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे फ्रीज में। सबसे पहले हमें हांडी को अच्छे से गर्म करना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2.5 चम्मच बड़े चम्मच से घी। चिकन को मैंने घी में बनाया था और बहुत टेस्टी लगता है अगर घी में चिकन बनाओ तो, ज़रूर एक बार आप ट्राई करना। और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और बाकी जो चीज़ें मैं आगे बताऊँगी आगे क्या करना है। 4 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, उसके बाद बिल्कुल बारीक कटी हुई हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। मैंने इसमें 5 मीडियम साइज़ की अनियन कट करके डाला था, तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसको जो है फ्राई करना है। इसे इस तरीके से हमें चलाते रहना है ताकि कहीं वाइट और कहीं रेड ना हो जाए प्याज। कंटिन्यू हमें इस तरीके से चलाना है। तो हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं जो चिकन मैंने फ्रीज में रखा था उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। और इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, देखिए इसका टेक्सचर और कलर देखिए कितना अच्छा है। और ये 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, 20-30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता ये बनने में। बहुत जल्दी बन जाता है हांडी में चिकन, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए अभी ऐसा हो चुका है 5 मिनट और हम इसको ढक ढक कर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो हम देख लेते हैं हमारा कैसा बनकर तैयार है चिकन। तो ये लीजिए तैयार है बिल्कुल हांडी चिकन, बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है हमारा। और लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया तोड़ कर डाला है और ये मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचने के लिए इस तरीके से मैं शूट कर रही थी वीडियो। सो हमारा टोटल फाइनली तैयार है। आप लीजिए, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।